कंपनी का एसी वर्ल्ड क्लास है, उसको कोई मात नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पर वही कंपनी जब टीवी बनाती है तो उसका टीवी फेल है। कंपनी फेल नहीं है, प्रोडक्ट फेल है। कितनों को समझ आई? उसका कारण यह है कि उस कंपनी ने एसी में एक्सपर्टीज ली है, एक्सपर्ट हो गई वो एसी बनाने में, पर टीवी उसका फेल है। अगर उसको टीवी में इतनी नॉलेज नहीं है पर उसने शुरू कर दिया काम, पर जिसका टीवी कामयाब है वो 40 साल से टीवी बना रहा है पर उसका एसी कामयाब नहीं हुआ क्योंकि अभी उसने अभी अभी शुरू किया। यानी जिस हिस्से में आप काम करते हो वो हिस्सा आपका क्या रहता है? कामयाब। हां, अब कंपनी फेल नहीं है, उसके 10 प्रोडक्ट और बड़े कामयाब हैं, पर एक प्रोडक्ट फेल है। क्यों? इतना काम नहीं हुआ उस प्रोडक्ट के ऊपर। अब प्रभु यीशु मसीह फेल नहीं है, हां, आपने अपने हिस्सों के ऊपर काम नहीं किया। आज इसीलिए कोई चंगा होके बैठा है क्योंकि उसने अपनी चंगाई के ऊपर काम किया। क्या काम किया? जब बोला गया आपकी बीमारियां गायब हैं, उसने आमीन बोला। जब उसे बोला गया हाथ रखो और आपकी बीमारियां श्रापित हैं और आप चंगे हो चुके हैं, उसने फेथ के साथ आमीन बोला। जब उसे बोला गया अच्छा बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा चंगी हो चुकी हूं, उसने बोला। हां, अच्छा प्रभु भोज लेना है, बपतिस्मा लेना है, उसने लिया। उसने काम किया और चंगाई हासिल कर ली। पर वो बंदा गरीब रह सकता है क्योंकि वो एक अलग इशू है। एक वकील जो क्रिमिनल केसेस लेते हैं, अगर आप उसको बोलेंगे मेरा इनकम टैक्स का केस ले लो तो वो नहीं लेगा। क्यों? है तो वकील है वो, क्यों नहीं लेगा केस? वो बोलेगा नहीं, मैं एक्सपर्ट हूं अपने एरिया में, मैंने इसके बारे में ज्यादा पढ़ा हुआ है, मुझे ज्यादा नॉलेज है क्रिमिनल केसेस के बारे में, लेकिन मुझे ये फाइनेंस के केसेस में मत फंसाओ, मुझे नॉलेज नहीं है। वो वकील, पर अपने हिस्से अपना एरिया उसने एक स्ट्रॉन्ग किया, इसीलिए उसमें वो कामयाब है। कितनों को मेरी बात समझ आई? अब आपकी कामयाबी जिस हिस्से में आप रखना चाहते हो ये परमेश्वर पर निर्भर नहीं करती, ये आप पे निर्भर करती। अब हो सकता है आप अपनी सेहत में कामयाब हो क्योंकि आपने काम किया, कन्फेस किया, अंगीकार किया, प्रेयर की, पर हो सकता है आप पैसे में फेल हो। क्यों? क्योंकि आप टाइथ देने वाले नहीं है ना बीज बोने वाले हैं। उसी तरह से एक क्रिश्चियन अपने सेहत में स्ट्रांग हो सकता है पर साथ में गरीब हो सकता है, क्योंकि अमीरी के लिए या उतनी बरकत के लिए कि मैं प्रभु का काम कर सकूं मुझे बोने की जरूरत है। अगर मैं बोऊंगा नहीं, हो सकता है बाकी चीजें मेरी सही हो पर मेरा फाइनेंस सही नहीं होगा क्योंकि मैंने अपने फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर काम नहीं किया। और अगर आप इस बात को समझें, आप जानते हैं हमारी लाइफ में इस मिनिस्ट्री में तब तब बरकत आई है जब जब अपनी घटियों में भी इस मिनिस्ट्री ने बोया और अब तक बो रही। हालेलुया, हालेलुया। जिस हिस्से में आप काम नहीं करोगे वो हिस्सा फलवंत नहीं होगा और गलती परमेश्वर की नहीं होगी। अब ऐसे परमेश्वर के सेवक हैं जिनके बच्चे सेवा कर रहे हैं, ऐसे भी हैं जिनके बच्चे सेवा नहीं कर रहे। जब उनसे पूछा गया कि आप सेवा में क्यों नहीं हो, आपके फादर बहुत बड़े सेवक हैं, कहते अच्छा पता है क्यों? क्योंकि उस फादर ने अपने बच्चों के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं किया, सेवा में बिजी रहे 24 घंटे और बच्चे उन्हें जानते ही नहीं। अब उन्होंने सेवक तो मजबूत कर ली पर अपनी फैमिली में काम नहीं किया, और एक सफल सर्वेंट ऑफ गॉड होने के बावजूद भी बच्चों के मामले में कामयाब नहीं। कसूर परमेश्वर का नहीं, परमेश्वर ने आपको इतना बड़ा दिमाग, बुद्धि और बाइबल दी है किसी कारणवश दिए। प्रेसिडेंट का फोन आया, अमेरिका के प्रेसिडेंट का, और फोन पे बात कर रहे बिली ग्राम, और उनका बेटा आया टूटी कार लेके, कहता पापा कार जोड़ दो मेरी, कहते मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज होल्ड डाउन, प्लीज होल्ड कीजिए मेरा बेटा आया।
उसको होल्ड पे रखा प्रेसिडेंट के फोन को, जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जिसको पावरफुल बोलते हैं, होल्ड पे रखा, उसकी गाड़ी ली, उसका पहिया जोड़ा, उसको कहा ये ले, और दोबारा बोला हेलो, हां जी, आप समझे बात के नहीं? तो वो बेटा अपने फादर की कदर क्यों ना करेगा? उसका बेटा आज 65-66 साल का है, बेटा छोटा है, नहीं है वो, तब की बातें हैं पुरानी, पर आज वो प्रचारक है, सालों से प्रचार कर रहे हैं, उसका पोता प्रचारक है, पोते के बच्चे प्रचारक बन रहे हैं, क्यों? काम किया। अगर आप मसीह में आंखें बंद करके नहीं चल रहे, क्योंकि आप जिस हिस्से पे काम करेंगे प्रभु आपके साथ होगा। ये नहीं आंखें आप मॉल में चले गए और आप सोचेंगे अपने आप मेरे कपड़े चल के दुकान से बाहर आ जाएंगे, अपने आप मेरे बाल कट जाएंगे, अपने आप मेरी कुर्सी आ जाएगी, अपने आप सब कुछ हो जाएगा क्योंकि मैं मॉल में आ गया हूं। नहीं, आप मॉल में चले गए लेकिन आपको हर दुकान में जाना है जिसकी आपको जरूरत है, आपको जाना है, दुकान ने आपके पास नहीं आना है। एक सिस्टर आई भाई मेरे लिए प्रेयर करो, जब लोगों को मालूम होता है ले हैंड से मिरेकल होते हैं तो लोग उत्साहित होते हैं कि हम पे हाथ रखे प्रेयर हो जाए, मेरे ऊपर कर्ज है। अच्छा कितने साल से प्रभु में? कहते 10। यानी कितने साल से? तो मेरे को मालूम था कहीं गड़बड़ है। हस्बैंड क्या करते हैं? सरकारी नौकरी। बेटा क्या करता है? सरकारी नौकरी। आप क्या करते हो? हम सब काम करते हैं, तो कर्जा क्यों है? कभी टाइथ नहीं दिया, नेवर, कभी भी। और मैंने कहा मेरी प्रेयर भी आपको छुड़ा नहीं सकती, जहां प्रभु का वचन टूटा हुआ होगा वो मेरी प्रेयर नहीं सुनेगा। हालेलुया। नहीं तो लोग यही बोलेंगे आप कामयाब नहीं हो इस हिस्से में, पर उनको ये नहीं मालूम आपने खुद इस हिस्से पे काम नहीं किया। मुझे जिस चीज की जरूरत है मैं उस सोर्स के पास जाऊंगा और उसे लूंगा, क्योंकि ग्रेस मेरे पास है। सब जन अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाओ, यहां वहां जहां भी मौजूद, और परमेश्वर से प्रभु बोलो, परमेश्वर मैं अपना पास्ट कभी ना भूलूं, मैं अपना पिछला जीवन कभी ना भूलूं, कि तूने मुझे कहां से उठाया, ताकि जब प्रेजेंट चैलेंजेस मैं देखूं मैं अपनी पास्ट की विक्ट्रीज पे ध्यान दूं, और यह विश्वास रखूं कि फ्यूचर में तू मेरे साथ है और प्रेजेंट में मेरे साथ है, और प्रेजेंट और फ्यूचर ये मेरा यीशु मसीह का नाम है। उठाओ अपने हाथों को, प्रेयर पॉइंट करो, प्रेयर पॉइंट के साथ ये अपना पास्ट कभी ना भूले। बोलो मैं मुश्किल समय कभी ना भूलूंगा, भूला नहीं तुम, भूलना नहीं मुश्किल समय को, भूलना तुम भूलना नहीं, कठिन समय को भूलना नहीं, तुम व्याकुल समय को भूलना नहीं, तुम कठिन समय को भूलना नहीं, भूलना भूलना नहीं तुम, मुश्किल समय को भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं तुम, मुश्किल समय को भूलना नहीं। शैतानी अपना पास्ट भूल जाना, जो खुदावंद ने किया उसको भूल जाना, और रोते रहना उस चीज के लिए जो आज नहीं। अपने हाथ को उठाओ और रिपेंट करो और तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, अपने हाथ को उठाकर।